पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक बड़ी ही अनोखी अभिनेत्री की, जिसे सब संध्या शांताराम के नाम से जानते हैं। पर यह बात कम लोगों को मालूम है कि पहले इनका नाम था विजया देशमुख। तुमने इतनी सारी भाषाएं इतनी सी उम्र में कैसे सीखी? जी, ये तो साधारण सी बात है। मेरे पिता हैं मद्रासी, मेरे स्वर्गवासी माँ थी बंगालन, मेरी सौतेली माता हैं पंजाबन, मराठी गुजराती तो ऐसे बड़े शहरों में रहने से आ ही जाती है, और लाला जी बाकी रही सिंधी वो ऐनी फैल गई है कि शहर फुलिया नहीं समाउंदा। विजया देशमुख दरअसल रंगमंच की पृष्ठभूमि से आती हैं। इनके पिता अक्सर थिएटर में बैकस्टेज का काम संभाला करते थे। विजया देशमुख और इनकी बहन वत्सला देशमुख थिएटर में काम करते करते मुंबई की तरफ चली आईं। सोच रही थी कि और काम मिलेगा, तब इनकी मुलाकात हुई वी शांताराम से। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि महान फिल्म मेकर वी शांताराम ने दरअसल एक ऐड निकाला था, जिसमें लिखा था कि वो अपनी फिल्म अमर भूपाली के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे हैं। अपना चेहरा प्रोफाइल में दिखाइए। मुस्कुराइए। वत्सला देशमुख ने अपनी बहन विजया देशमुख को भेजा ऑडिशन के लिए। ऑडिशन तो दिया गया, पर वी शांताराम ज्यादा मुतासर ना हुए थे। उन्हें लगा कि इस लड़की का हाव भाव तो ठीक है, लेकिन चेहरा मोहरा हीरोइन के लायक नहीं है, लेकिन इसकी आवाज बड़ी अच्छी है। लड़की का चेहरा तो ठीक है, लेकिन प्लेन फेस, एब्सोल्युटली प्लेन। वी शांताराम ने और भी हीरोइंस को ऑडिशन किया, लेकिन अंत में विजया देशमुख का नाम ही फाइनल किया। गुप्ता, ये लड़की जहां कहीं भी हो फौरन बुला, फौरन। और तब शांताराम साहब ने इनका नाम विजया से संध्या रख दिया। 1951 की फिल्म अमर भोपाली एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, यहाँ तक कि ग्रैंड प्री 1952 कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए इसे नॉमिनेट भी किया गया। ऐसी नौकरी से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुझे मंजूर है बाबूजी, मुझे मंजूर है। उसके बाद सन 1952 में फिल्म आई परछाई, जहाँ पर संध्या ने वी शांताराम की दूसरी बीवी जयश्री के साथ काम किया। यह वो वक्त भी था जब वी शांताराम और संध्या के प्यार के चर्चे उभरने लगे थे। 1956 में इन दोनों ने शादी कर ली। संध्या वी शांताराम की तीसरी बीवी बनी, पहली विमल, दूसरी जयश्री और तीसरी संध्या। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए वी शांताराम साहब ने वैजयंती माला से बात की और कहा कि आप मेरी फिल्म की हीरोइन बने। ये बताया गया कि वैजयंती माला जी एक लो बजट फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मुझसे ये नहीं हो सकेगी। लिहाजा फिर संध्या जी की तरफ ही देखा गया। वी शांताराम चाहते थे कि नृत्य सम्राट उदय शंकर साहब ने जो फिल्म बनाई थी कल्पना, उसी की तर्ज पर एक और फिल्म बनाई जाए। संध्या जी एक प्रोफेशनल डांसर नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ट्रेनिंग लूंगी। और तब उस जमाने के मशहूर और मारूफ कोरियोग्राफर गोपी कृष्ण के साथ इन्होंने बहुत मेहनत की, कथक का प्रशिक्षण लिया और तकरीबन 18-18 घंटे एक रियाज किया करती थी। फिल्म झनक झनक पायल बाजे सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और अंत में पिंजरा। ये किस्सा भी मशहूर रहा। अपनी दूसरी पत्नी जयश्री से जब वी शांताराम को तीसरा बच्चा हुआ, तब शांताराम साहब को अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि इनकी आंखें चली जाएंगी। लोगों ने कहा कि एक नर्स रख ली जाए, पर संध्या जी ने कहा नर्स की आवश्यकता नहीं, मैं इनकी देखरेख करूंगी। कहिए कोई आज्ञा। और नर्स से भी बेहतर संध्या जी ने देखरेख की। जिस दिन वी शांताराम साहब की आंखों की पट्टी खुलनी थी, तब संध्या जी ने पूरे कमरे को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया। जमीन पर बड़ी खूबसूरत रंगोली सजाई, और जब शांताराम साहब ने आंखें खोली, इतने सारे रंगों को देखकर उन्होंने कहा कि ये तो नवरंग है। लिहाजा अपनी फिल्म नवरंग का टाइटल इस तरह से इन्हें मिला। वी शांताराम साहब के साथ ही संध्या जी काम करती रहीं, तीन बत्ती चार रास्ता, स्त्री वगैरह वगैरह। पर उस काम में इज्जत है, शोहरत है। मैं रेडियो वाला काम छोड़ूंगी थोड़े ही, जब कभी वो बुलाएंगे लाला जी के यहाँ से छुट्टी ले लूंगी। स्त्री में संध्या जी को शकुंतला का किरदार निभाना था, जिसमें शेरों के बीच वो अपने बेटे भारत को पालती है। तब कोई बॉडी डबल इस्तेमाल नहीं किया गया था, और संध्या जी ने असल शेरों के साथ रिहर्सल की, उनसे दोस्ती बढ़ाई। गौर करने वाली बात यह है, पिंजरा जब मराठी में बनी, तब इसमें पहली बार नजर आए थे जबरदस्त अभिनेता श्रीराम लागू।
उस जमाने के मशहूर मारूफ फिल्म मेकर महबूब खान ने बड़ी अच्छी खासी रकम देने का वादा किया था संध्या जी को और कहा था कि आप आए और मेरी फिल्म में काम करें। वी शांताराम साहब को भी इस पे कोई आपत्ति नहीं थी, पर संध्या जी ने ठान लिया था कि काम करूंगी तो शांताराम साहब के साथ ही और किसी के साथ नहीं। राजकमल के साथ ये ऐसी जुड़ी कि फिर कभी अलग ना हुई। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी। वी शांताराम साहब की पहली दो बीवियों से बच्चे हुए, पर संध्या जी ने जानबूझकर और बच्चे नहीं किए। उन्होंने कहा कि पहले जो बच्चे हुए हैं वो भी तो मेरे ही हैं। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि वी शांताराम साहब को पैसों की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी पहली बीवी विमल और दूसरी बीवी जयश्री से कहा था कि आप अपने जेवरात गिरवी रख दें ताकि कुछ पैसे जुटाए जा सकें। इसी बीच कुछ ऐसी गलतफहमियां हुईं कि जयश्री और वी शांताराम का तलाक हो गया। संध्या जी ने वी शांताराम जी की पहली दो बीवियों के साथ भी दोस्ती बनाए रखी और उनके बच्चों के साथ भी एक बड़ा ही पारिवारिक रिश्ता बनाया। हर किरदार को एक बड़ी चुनौती की तरह लिया और अपने पति और डायरेक्टर वी शांताराम के साथ इन्होंने खूब हिट फिल्म्स में काम किया। यकीनन संध्या वी शांताराम साहब की जिंदगी का उजाला बनी और ऐसी फिल्मों में काम कर गई कि इनका कोई सानी नहीं। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।